अर्थ नहीं, तन मन धन सबसे पूरे दोनों समुदाय के लगे हुए हैं इसमें। हाँ, सुख शांति से सब पार हो, आराम से रहे। मेरा नाम विनोद प्रसाद बर्मन है। अच्छा, विनोद प्रसाद बर्मन। हाँ, तो आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं ना? क्यों नहीं, मेहनत अपना गांव का काम है, करना ही होगा। परदेशी आते हैं, उनका सेवा करना हमारी ड्यूटी है। हम तो ही भावना लेके चल रहे हैं। जोहार मैजाबाज, आप देखना शुरू कर दिए हैं दानियूस खजाना। धनबाद में 3 दिवसीय इज्तमा हो रहा है, जिसकी शुरुआत 2 दिसंबर से हो गई थी। यह इज्तमा 2, 3 और 4 दिसंबर तक चलेगा। और अभी हम लोग नेशनल हाईवे NH2 पे हैं और यहाँ काफ़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ के जो हजरात है खिदमत के लिए लगे हुए हैं। आने इज्तमा में जाने के लिए जो हजरात इज्तमा के लिए जा रहे हैं उसके लिए खिदमत के लगे हुए हैं। चाय का इंतज़ाम किया गया है, खाने पीने के लिए भी इंतज़ाम किया गया है यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। और जो इज्तमा में जा रहे हैं यहाँ रुक के उन्हें रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पूरी तरीके से धनबाद में इज्तमा, काफ़ी भीड़ देखी जा रही है उस इज्तमा में, लाखों लोग पहुँच रहे हैं। कल उनका आखिरी दिन है, आज 3 दिसंबर, और हम लोग NH2 गोविंदपुर पे हैं। यहीं से थोड़ा अंदर में ही इज्तमा हो रहा है। धनबाद में पहली बार इस तरह का लीगी जमात का इज्तमा किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों की पहुंचने की संभावना है बताई जा रही है। और मैं वहां भी पहुंच के आप लोगों की दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहां कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्या है तबलीगी जमात और क्यों लोग इतने दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग मदनपुर से आए हैं, 30 किलोमीटर दूर से। 30 किलोमीटर क्या होता है तबलीगी जमात? यहाँ पर आदमी को, जैसे हम लोग का आदमी को मानना चाहिए नबी का, ऐसा तरीका से चलना चाहिए जो इस्लाम में बताया जाता है। इस्लाम से जो बताया जाता है वही हम लोग का नियम है, वही करते हैं, वही फॉलो। तभी जाएंगे अभी वहीं, अभी जाएंगे वहीं, वहीं हम लोग का ध्यान में देगा। जो नमाज जैसा होता है 5 वक्त का, वही होगा, कुरान का ही है वही होता है। तो चलिए अभी हम लोग स्टॉल पे दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ हर तरह का व्यवस्था किया गया है। कुछ लोग खिदमत के लिए लगे हुए हैं। इसके बारे में बताइए, आप लोग खिदमत में लगे हुए हैं? पूरे लगे हुए हैं। क्या हो रहा है तबलीगी जमात का जो इज्तमा चल रहा है 2, 3 और 4 दिसंबर को? आप लोग पूरे रोड में चाय की व्यवस्था किए हैं, पानी की व्यवस्था किए हैं और खिदमत में लगे हैं, लोगों को इज्तमागाह पहुँचाने का रास्ता भी बता रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बस सेवा करने का ड्यूटी मिला है, सेवा कर रहे हैं लोगों का, मिला है ना। निस्वार्थ भाव से आप लोग का? निस्वार्थ नहीं, तन मन धन सबसे पूरे दोनों समुदाय के लगे हुए हैं इसमें। हाँ, सुख शांति से सब पार हो, आराम से रहे। मेरा नाम विनोद प्रसाद बर्मन है। अच्छा, विनोद प्रसाद बर्मन। हाँ, तो आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं ना? क्यों नहीं, मेहनत अपना गांव का काम है, करना ही होगा। परदेशी आते हैं, उनका सेवा करना हमारी ड्यूटी है। हम तो ही भावना लेके चल रहे हैं कि लोगों का सेवा करें, ताकि लोग अपने स्थान में जाएं तो कहें कि हमने जहाँ गया था वहाँ के लोगों ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया, सेवा किया। यही सब बात है। धर्म का बंधन टूट गया है, सभी लोग मिलजुल कर। धर्म शब्द क्या है? धर्म शब्द क्या है? खुदा कौन है और भगवान कौन है? धर्म शब्द क्या, हमको समझाइए आप। धर्म ही धर्म है, आप मानिए तो धर्म है, नहीं तो बेधर्म है। इसमें धर्म का शब्द आपने कैसे उपयोग कर लिया? नहीं नहीं, मैं बोला हूँ सभी धर्मों के लोग एकदम सभी धर्मों का है। वो बोल रहे हैं, कुछ परिचय दिखाना हो तो बोलिए, वो भी दिखा देंगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ सही धर्म के हैं। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं? सुन रहा, आप बोलिए। बोलो बोलो। ये हमारा जमान, ये हमारा सरपंच साहब है। अच्छा सर जी, करते हैं, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हम दिखाना चाह रहे हैं, लोग आखिर जाने का कैसे? हम लोग का चीज को पर्दे में ही रहने दीजिए। अच्छा, तो ज्यादा पर्दे में ज्यादा बेटर है। हम लोग कुछ भी करते हैं तो दिखावा करके नहीं। काफी लोग बोलते हैं क्या आखिर जो नहीं जानते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कहीं पर कोई बात नहीं। जो है उसको पर्दे में रहने बस। आप क्या कहेंगे? जो है पर्दे में, जो उसको ओपन मत कीजिए। आदमी लगा हुआ है एकदम 24 घंटा एकदम सेवा में। कोई निस्वार्थ है, कोई नहीं, ये नहीं है, निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं बस एकदम। तो देख सकते हैं यहाँ हर धर्म के लोग यहाँ आए हुए हैं और इस्तकबाल कर रहे हैं। जो दूर दूर से मेहमान यहाँ आ रहे हैं इज्तमा गाह जाने के लिए, इज्तमा में जाने के लिए, तो लोग लगे हुए हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और उनका खिदमत कर रहे हैं।